18 से 24 उत्पत्ति ग्रंथ पाप पाप का मुख्य विषय है और वे दो एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशु और आकाश में सभी पक्षियों को बनाया और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा। वे उन्हें मनुष्य के पास ले चले क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशु आकाश के पक्षी और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस, इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक ही शरीर हो जाएंगे। यह प्रभु की